सॉरी पता। गुड नाइट पुत्र। गुड नाइट मम्मी। वैसे सानू इत्थे कोई तंग नहीं करेगा ते कोई फोन भी नहीं आएगा। यार इतना थोड़ा होता है, बाऊजी ने साड़ी सारी रात खराब करती। मेरे फ्रेंड्स ने इतना खर्चा किया सी, कितना सोना रूम सी, हद हुंदी यार। आई अंडरस्टैंड सोहम, पर तुसी फिकर ना करो, तुहाडे फ्रेंड्स ना उत्थे एंजॉय करदे होने आ। वैसे इत्थे सानू डिस्टर्ब करन वाला कोई नहीं है। अमृता, मैं देख के आंदी हां। हुण कित्थे चली यार? मैं आ रही हां बस। कहिंदी सानू कोई डिस्टर्ब करन वाला नहीं है। डिस्टर्ब करन वाला ना थल्ले बैठे यार, परेशान करता। पानी पी लेना, इन्नी मुश्किल टाइम मिलता है। एक तो हमने पंगे पैने होंगे यार। उन्होंने कॉल की थी ते अचानक फोन कट भी दिता। सब ठीक तो है ना? टाइम भी बहुत हो गया, फोन करा या ना करा? मम्मी मैं कुछ हेल्प करा? नहीं नहीं पुत्र, बाऊजी नू बाम चाहिदा सी, मैं देता। पक्का ना? हाँ पुत्र, तू जाके आराम कर, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो, हाय, तुसी कॉल कीती सी ते अचानक फोन कट दिता। सब ठीक ता है ना? कौन? मैं विक्रांत, विक्रांत गई। विक्रांत, तुहाडा बेटा घर आ गया? हां जी आ गया, तुसी फिकर ना करो, सब ठीक है। थैंक गॉड, मैनू बहुत फिकर हो रही सी। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय। बाय। तू की कर रहे है विक्की? हुन हुई है असली कहानी शुरू। सोहम, सोहम उठो, सोम असी मंदिर जाना है, उठो बाऊजी ने आ जाना है। सोम उठो, सोम असी मंदिर जाना है, बाऊजी ने आ जाना है। रमणीक पुत्र, तुसी दोनों जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, फिर अपन मंदिर भी जाना है, मैं उद तक स्टोर साफ कर लेनी है। मम्मा मैं तैयार हाँ, ओ देखो। सोहम, सोहम, सोहम जल्दी उठ जा, बाऊजी आ जाएंगे पुत्र। सोहम। अमृता। बाऊजी तुसी पौड़ियां चढ़ के ऊपर क्यों आए? तुसी मैनू बुला लेंदे, मैं आ जांदी। मैं तेनू बहुत आवाजा मारियां ने, सुनी नहीं? मेरा नान वाला पानी गर्म करता। हां जी बाऊ जी, गीजर तो मैं कदों दा ऑन करता सीगा। ए उठिया नहीं हले तक, देखिए रात दी वारा गर्दी करन दा नतीजा। उठाओ इनू, जल्दी करो। हां जी तुसी चलो, मैं ना रूम च मैं तुहानू पानी देवां पहले, चलो। सोहम उठ जाओ, जे तुसी नहीं उठे ना फिर देखियो, मैं थ्री तक काउंट कर रही हूं। वन, टू, थ्री। व्हाट द हेल यार, तुसी उठ ही नहीं रहे सी, फिर मैं की करना सी? अच्छा जी, हूं दस्ता तेनू। सोहम
हाँ सोहम बाबूजी ने आ जाना है। कोई गल नहीं। की कर रहे हो? किथे जा रही है? मम्मी स्टोर रूम चेक कर ले, काम कर रहे हैं, उन्हें हेल्प करो। बाय। अमृता टॉवल गंदा हो गया, मशीन च पा देना। ओ मां गौरी नमः, ओ मां लक्ष्मी नमः, ओ मां सरस्वती नमः, ओ मां काली नमः। ओ मां गौरी नमः, ओ मां सरस्वती नमः, ओ मां काली नमः, ओ मां। बाऊजी जाप खत्म होने तो बाद ये वॉशिंग मशीन च पा दियो, ठीक है? ओ मां गौरी नमः, ओ मां सरस्वती नमः, ओ मां काली नमः, ओ मां सरस्वती नमः। हे मां सीता साडे परिवार की रक्षा करी। मम्मा पहला चाह पी लो, नहीं तो चाह ठंडी हो जाएगी। हाँ पीनी है। मम्मा मैं थानू कहा सी ना कि मैं आके थोड़ी हेल्प करांगी, तुसी आप भी सारा काम करन लग पे। पुत्र मैं जल्दी जल्दी काम मुका के बाऊजी दे पूजा दी तैयारी भी करनी है। डोंट वरी, बाऊजी दे पूजा दी तैयारी सारी हो चुकी है। वैसे भी तुसी ये सफाई साड़ा समान रखन लई कर रहे हो ना? हाँ इस हिसाब नाल ता मेरा ते सोहम दा बनता है ना इत्थे दी सारी क्लीनिंग। पुत्र सोहम नू तूल तो एलर्जी है। ते तुहानू नहीं है? आओ तुसी बैठो चाह पियो, मैं कर दी। बैठो पांच मिनट तक करो। तुसी बैठो चाह पियो, वैसे भी साडे कोल ज्यादा टाइम नहीं है। बाऊ जी ना तैयार ने, मैं ले ला। हाँ फिर तो आपां नूं होर जल्दी करनी चाहिदी है। ए बॉक्स च समान कढ़ना है। वारम नी पुत्र, चाह तो तू बहुत स्वाद बनाई है। थैंक यू। मम्मी ए माउथ ऑर्गन कीदा है? हाय रब्बा ए इत्थे पिया सी। ए पापा जी दा है, ए उन्हां नूं बहुत पसंद सी, तैनूं अज वी याद है। उन्हां ने इहनूं खरीदण लई किद्दां पैसे जोड़े सी। बाऊजी ने कदी अनुमति दित्ती नहीं सी, पर उन्हां ने कदी अपना इरादा नहीं बदलिया। बस मेरे कोल उन्हां दी आखरी निशानी बची है। मैं ले लां। सोहम, सोहम नु क्यों पुत्र? बुलाया मैंने। सोहम तुसी ये माउथ ऑर्गन कितने सेफली रख दोगे? हाँ रख देना। तुसी अजे तक तैयार नहीं हुए? बस होने लगा, नहा नहीं चला सी, पांच मिनट हो रहे हैं बस। जब तक मम्मी दी चाह खत्म हुंदी है ना तुसी तैयार होने चाहिए हो। हाँ ठीक है, आ रहा मैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਪਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਸੋਹਮ ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ बाबू जी इदा हुंदा है। की कमलिया मारी जाना है? मैं नहीं मानता है। नहीं बाबू जी इदा हुंदा है, मैं तुहानूं दसदा। आ देखो
सब तो पहले ना आप अपनी जेड़ी चीज बेचनी है उदी फोटो खिंचनी है, फोटो खिंच ली उस तो बाद आप देखो ए बटन है ना इतो आप अपलोड कर देनी है, अपलोड करती जिन्हें चीज खरीदनी है उन्हें सानू कॉल या मैसेज कर देनी है ते सानू किते जान दी लोड भी नहीं पैनी। जिदा देखो ए ओए मेनू बेच रहे नहीं बाबू जी बेचना थोड़ा सी मैं तो तुम दस रहा सी कि किदा बेचीदा आप कुछ भी बेच सकते हैं। हाँ जी कुछ भी बेच सकते हैं। मैं आया हूं एदा मतलब कुछ भी बेच सकते हैं। साढ़े खर्च तो बहुत समान है बहुत पैसे कमा सकते हैं। हाथी सब तो पहला तेनू बेचूंगा तू तो क्या नहीं जे मैनू बेचता मैं खबरां कितें देखांगा। तू कदे टोल बजाया चल फिर ये तो बहुत पुराना है कबाड़ है। बाऊ जी चलिए मैं सोहम नु पर्स देना तो भूल गई मैं उन्हें पर्स दे के आनी है। मम्मी मैं उन्हें कहता है और आपे ले लेगा। अच्छा बाऊ जी मैं थोड़े वास्ते चप्पलां लेके आई मैं हुणे आई। चलिए जे फोन चो बाहर निकलेगा ता ही चलांगे दोपहर करती है थे चलो। सोहम तू कर दिए चाबियां ले लिया सी ना? ले लिया। ड्राइवर गड्डी रोके। सर मैं ना ए वाली बुकिंग ना छेती छेती कंप्लीट कर लेंदी। हां तुसी वेट करो मैं मंदिर हो गया। मेनू ना पता है तुसी इस मंदिर चे ना अपना फेवरेट प्रसाद खान आंदे हो। ठीक है मैं शुरू अच्छी छट गई यार। ठीक है ड्राइवर तुसी ना गड्डी साइड पे ला लो। हेलो जी मिस्टर गुप्ता जी तुसी परेशान ना होवो मैं कल दे इवेंट नूं आप सुपरवाइज करांगा। जी बिल्कुल मैनू लगदा अपन नूं थाई कुजीन दे नाल नाल जैपनीज फूड भी ऐड करना चाहिए। जी बिल्कुल जी हाँ जी आपां एक बार मीटिंग कर लैने नाले तुहाडा प्लान भी शेयर हो जाएगा। और तू अपना बूट मेरी चप्पल उत्ते क्यों सुटता? सॉरी बाबू जी मैं देखा नहीं सारी चप्पल गंदी करती लगता सॉरी सॉरी था वो मंदिर च था बख्श दिया कर। ओके बाय राइट चलो बाबू जी मैं जरा हाथों के आनी है तुसी चलो सारे। पंडित जी आ मेरे नूह पुत्र है इन्हों का नवा नवा विआह होया ते मैं इन्हों के नाम की पूजा करानी है। ठीक है मैं पूजा की तैयारी करदा। हां जी
सोहम ठीक तरह पूजा कर। आ जाइए। पाउजी मैं परिक्रमा करके आनी हूं। पूजा संपन्न हुई। जय भोलेनाथ। तुसी सुपरवाइजर हो? हाँ जी बाबू जी। तुहाडे सामने बंदा किन्नी बार प्रसाद लै गया, तुहानूं पता नहीं लगदा केड़ा बंदा किन्नी बार प्रसाद लै गया? कोई गल नहीं बाबू जी, प्रसाद सारे वास्ते है, जिन्ना मर्जी लो। पर उन्हें एक बारी भी टंग नाल मत्था नहीं टेकिया, भुख्या वांगू बार बार प्रसाद खाई जा रहा है। कोई गल नहीं बाबू जी, घटो घट प्रसाद दे बहाने माता राणी दे हाजरी दा भर गया। मान ली मैं तुहाडी गल कि माता राणी ने उन्हूं माफ कर देना है, पर उन्हूं अकल तां होनी चाहीदी है कि नहीं? ओह तुसी प्रसाद लो बाबू जी, कोई गल। की होया बाबू जी? ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੱਡੋ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੈਠੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਣਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਗਿੱਲਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਪਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਪਲ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਜੋ ਚੋਰ 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 ਇੱਧਰ ਰਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੱਪਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੌ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਏ। ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੰਡਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ? ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚੱਪਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਪਲ। ਓਏ ਓਏ, ਉਹ ਚੱਪਲ ਚੋਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਚੱਪਲ ਚੋਰ। ਛੱਡੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਪਲ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੰਡਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ?